क्या रहा है दुनिया में? Really disgusting. तुम यहाँ क्या कर रही हो शगुन? भला परिवार की तो बस एक ही कंसर्न है कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ. सिर्फ दूसरों से सवाल पूछने आते हैं, लेकिन इस परिवार में किसी ने अपनी आदर्श बहू से कोई सवाल नहीं किया है ना. तुम्हारा मतलब क्या है? क्यों तुम्हीं ने गारंटी ली थी ना इस लड़के की, क्या हुआ हु? शगुन अपने पापा बंद करोगी प्लीज? यहाँ मामला ऑलरेडी इतना बिगड़ा हुआ है, तुम आग में घी क्यों डाल रही हो? थैंक गॉड तुमने एडमिट तो किया कि यहाँ आग लगी. मैं तो बस पूछ रही कि यह आग कैसे लगी. आई डोंट अंडरस्टैंड वन, अगर तुम्हारे पास इस सब के लिए टाइम नहीं था तो तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली क्यों? बहुत शौक है ना महान बनने का. तुम्हारे इस महान बनने के चक्कर में बेचारी रिंकी की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने. इनफ शगुन, मोर इनफ. मुझे तो चुप करा लोगे इशित, लेकिन अपनी गलती को कब तक छुपाओगी? मैंने क्या किया, क्यों किया, ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगी शगुन. इशिता मुझे कोई सफाई चाहिए भी नहीं, लेकिन आज यहाँ पर जो तमाशा खड़ा किया है तुम्हें बाकी सबको तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा. एक्सप्लेन, टेल देम. तमाशे का जवाब ये देगा. बता पूरी बात. ये सब मैंने जान के किया. बिजनेस में लॉस के कारण मुझे पैसों की जरूरत थी, सो आई डिड ऑल दिस. अंकल जी, आई एम रियली सॉरी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई. अम्मी, इससे पहले कि हम लोग इसको जान से मारते, ले जाएं सबको यहाँ से. डिंपल, ए तू की किता? तेनू मेरी बेस्ट फ्रेंड ही मिली थी दोषी, और ते नाल इतना बड़ा धोखा किता. तेनू ते पुलिस फाड़ के लेके जाएगी, और इतना तुझे मारेगी ना तुझे समझ आएगा धोखाधड़ी का केस होएगा तुझ पे. निकल जा तू यहाँ से. पुलिस का इसको तो मैं घसीट के बाहर निकलूंगा. क्या साले. अरे कमन कमन कंट्रोल योरसेल्फ. साले को पुलिस के हवाले करो. अरे भाई वहां पर तो रायता फैल गया. अरे दूल्हा गया थाने, शादी कैंसिल हो गई. भाई क्या बकवास कर रहे तू? सर सच बोल रहा हूँ, उन्होंने कोई दूसरी मैडम पटा रखी थी अमेरिका में, एन मौके पर आ गई और पोल खुल गई. अंकल जी प्लीज प्लीज बात मत बढ़ाइए. देखिए हम माफी मांग लेंगे, उनके गिफ्ट्स रिटर्न कर देंगे. यहाँ पर गिफ्ट्स किसी पड़ी है? हमारी बच्ची का जो मजाक बनाया गया, हम उसको ऐसे जाने नहीं देंगे. और सुनो, मुझे भी भूल जाना तुम. अब आई एम डाइवोर्सिंग यू, यू चीप स्टफ. हाँ जी शगुन जी. हाँ वो मैडम जी मेरे साथ ही हैं. मैडम जी थोड़ी परेशान हो रही हैं. हाँ वो आपसे बात करना चाहती हैं. हाँ आप देख लो जी. ओके जी. ओके ओके. ये लड़की जो सुबह भूरी के साथ उसकी बिल्डिंग में थी, वो पुलिस के बारे में शगुन से बात कर रहा था. चल मेरे साथ बंदो, पुलिस के नाश्ते कराता हूँ अभी. बराती बनता है तू बड़ा. हमारी लड़की के साथ तूने क्या किया? तुमको छोड़ेंगे नहीं हम लोग. हाँ शगुन की चाल थी. बंटी पूरी देर साथ है ना? तोशी प्लीज चुप कर जा.
खुशी मैं इतनी ज्यादा शर्मिंदा कि मैं तेनु दस नहीं सकती। तुसी हमेशा मेनू छोटी भैन की तरह समझा, एक फैमिली मेंबर समझा, और मेरे अपने जेड़े मेरे फैमिली सीगे उन्होंने मेनू धोखा देता। मैं कितना माफी मंगा मेनू समझ नहीं आ रहा। मैं कोई माफी दी हकदार नहीं हाँ तोशी, प्लीज तू चुप हो जा। कमियाँ, आप अपने आप को क्यों ब्लेम कर रही हैं? घर वालों को भी तो सोचना चाहिए था। घर में सबने इशिता से कहा था कि सोच समझ के सब डिसाइड करना कि अच्छा लड़का है नहीं है। मैंने भी उसे पूछा था, इट्स ऑल हर फॉल्ट, लेकिन वो कहाँ अपनी गलती मानने वाली। इशिता एक बार तो सोचना चाहिए था, बेचारी रिंकी घर की बच्ची, क्या होगा उसका, कौन करेगा उससे शादी। Do you know how these things can affect you? किसी pessimistic बातें कर रही हूँ। बच गई है हमारी रिंकी। अगर आज के दिन शादी हो जाती ना, तो उसके बाद उसकी जिंदगी ज्यादा खराब होती। तो तुम क्या बातें किए जा रही हो? Really? तो अब उसकी जिंदगी सवर गई है इस तरह सोसाइटी के सामने इज्जत उछाल के। इशिता, तुमने भल्ला परिवार की रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी। घर के दरवाजे से बेटी की बारात वापस लौट कर गई। मम्मी जी, क्या मुंह दिखाएंगी लोगों को, क्या जवाब देंगी? लड़का शादी के मंडप पर लड़की को छोड़ के गया है। छोड़ कर नहीं गया है, वो इंसान फ्रॉड था, उसे निकाला गया है यहाँ से। वो ठीक बोल रही है इशिता, आज जो कुछ भी होया उसका कोई बचाव नहीं है। वही तो मैं कह रही हूँ मम्मी जी, हर किसी के किस्मत में शादी टूटने के बाद दूसरी शादी थोड़ी ना होती है। वो तो रमन को इशिता मिल गई। लेकिन सबको दोबारा चांस नहीं मिलता। चाची रिंकी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? क्यों तुम इस पूरे मामले को बढ़ा रही हो? तो मालूम है ना सब लोग की हालतें क्या है यहाँ पे, फिर क्यों कोई सलूशन नहीं निकाल रही? बस प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो अभी। हाल मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हूँ? आई डोंट बिलीव दिस। तुम्हें रिंकी की फिक्र नहीं है, उसकी परवाह नहीं है, बस अपनी इज्जत की परवाह। आई डोंट बिलीव दिस, इट्स जस्ट फुल ऑफ योरसेल्फ इशिता। सारा कुछ खत्म हो गया, पता नहीं कैसी किस्मत लेकर आई है मेरी औलाद ने। देखा अक्का, मेरा शक सही निकला, ये सब शगुन का ही प्लान था। और आई न्यू इट, इसे अभी समझ सिखाती हूं। आई न्यू इट। वेट अक्का, हाउ कैन वी वेट? लुक एट व्हाट शी इज डूइंग, ड्रामा क्वीन, शी इज ह्यूमिलिएटिंग इशू अक्का। वी कैन वेट, लेकिन हम कुछ 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 भी नहीं कर सकते। हमें कुछ शगुन के अगेंस्ट प्रूफ लाना पड़ेगा, तो ही कुछ बात बनेगी। बेचारी रिंकी तो आगे पढ़ाई करना चाहती थी, तुम पर भरोसा करके उसने डिसाइड किया कि वो शादी कर लेगी। लेकिन आज जो उसके साथ हुआ है, रिंकी तो क्या, दुनिया में कोई भी लड़की अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से नहीं जी पाई। बस कर शगुन, बस कर, मेरी जुबान में भी बड़ा जहर है। इशिता, मैंने तेरे कहने पर ही रिश्ता किया था, आग बंद करके भरोसा कर लिया था, पर ये क्या हो गया पुत्र, इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? मम्मी जी, मैंने देखा था ना कि मम्मी जी तू मुंडे से मिली थी ना, उससे बात करी थी तूने, तूने उसके फ्रेंड से भी बात की थी, फिर भी तेरे कुछ नहीं पता लगा। तेरे दिमाग में कोई शको शुबा नहीं आया, या फिर तेरे दिमाग में ये चल रहा था कि किसी तरह भी इस वेले तुम निपटा दो? क्या बोल रहे हो आप मम्मी जी? संतोषी, ये मैं सोच रही हूँ, मेरी ईशू को ब्लेम कर रही है? ये मम्मी ने बोला ना ये रिश्ता लाई थी फिर नहीं। अब आप ऐसे क्यों कर रहे हो? आप आग में घी डालने का काम क्यों कर रहे हो? वैसे ही मेरी तोशी से अब दोस्ती टूट जानी है। और नहीं, और मम्मी तेनू की कहना है यार, ये तो हमारी गलती है कि हमने दूसरों पे भरोसा करके इतना बड़ा कदम उठा लिया। मेरी बेटी दूसरी हो गई, जब पूरा घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पे डालना था तब क्या सोचा था? ये खान का कच्चा होना अच्छा नहीं है संतोषी, अनवर्ण फन रहे। अभी बेस्ट फ्रेंड को बोलो, ईशु को क्यों बोलती है? ओए संदन, तू हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहती है, तेरे नजर नहीं आ रहा इतना सब कुछ हो गया, फिर भी तू चाहती है कि हम अपना मुंह बंद रखे, कुछ बोले भी नहीं, कोई गालो ही भला। मैंने तो कुछ नहीं किया है, तू मेरे पे क्यों चिल्ला रही है?
आप लोग यार। रिंकी की शादी टूट गई, आप लोग बड़े आपस में उलझे पड़े। वो मेरे बेटे की अरे क्या तमाशा हुआ मेरे यहाँ पर? मत मारी गई है मेरी, पागल हो गई हूँ मैं। क्योंकि मैंने पता है कि उनकी होना है, ये सारी दुनिया रिंकी पे उंगलियां उठाएगी, बदनाम हो जाएगी मेरी बच्ची, और हम सोसाइटी में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे, क्योंकि हम बेटी वाले हैं। देख रमन, आज जमाना कितनी भी तरक्की कर गया है ना, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं रहा, पर कल अगर आज भी बेटी की शादी किया जाए ना, तो ये जमाना 100 साल पीछे चला जाता है, सारा मॉडर्न पना एक पासे रह जाता है, और बेटी वालों को सर झुकाना पड़ता है। और जे बेटी की शादी टूट जाए, उसकी बरात वापिस चली जाए, तो उसकी किस्मत फूट जाती है। आज मेरी बदनसीब बेटी की बरात मेरे दरवाजे से वापिस गई है, उसकी किस्मत फूट गई है, अब उससे कौन शादी करेगा रमन, कौन शादी करेगा उससे? मम्मी जी, कैसी बातें किए जा रही है आप जब से? मम्मी जी, प्लीज, आप किस सोसाइटी के बारे में सोच रही हैं? वो सोसाइटी जो उल जुलूल नॉर्म्स बनाती है? मम्मी जी, अगर हमारे मंडप से वो बारात गई है, तो इसलिए नहीं गई कि हमारी बेटी में कोई कमी है, इसलिए बारात गई कि वो लड़का फ्रॉड था। तो मम्मी जी, अगर आप गलत रीजन पे रोएंगी तो सोसाइटी गलत समझेगी हमारी बेटी को, हमें सपोर्ट करना है रिंकी को, ये सोसाइटी नहीं आएगी उसे सपोर्ट करने के लिए, सोसाइटी तो उंगलियां उठाएगी क्योंकि माँ उंगली उठा रही है। मम्मी जी, आप उसे बदकिस्मत कह रही है? वो खुशकिस्मत है कि आज बच गई है। आई एम वेरी सॉरी टू से मम्मी जी, लेकिन हमारे घर में एक लड़की और बैठी हुई है गलत शादी करने के कारण, गलत जगह शादी होगी तो वो बेचारी आज तक पछता रही है। हमारी रिंकी तो वक्त पे बच गई है, आपको तो ऊपर वाले का शुक्र मनाना चाहिए मम्मी जी, वो खुशकिस्मत है, बदकिस्मत नहीं है। हेलो समाज सेवक, ये घर है, लेक्चर देना बंद करो। ये हमारे घर का मामला हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तुम बीच बीच में मत बोलो। रिंकी मेरी भी कुछ लगती है। लगती है नहीं, लगती थी। तुम इस घर को छोड़ के गई थी, किसी ने तुम्हें निकाला नहीं था, तुम खुद गई थी। सारे रिश्ते नाते तोड़ के तो अभी रिश्तेदारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम अभी भी कोई रिश्तेदारी दिखा नहीं रही हो, तुम्हें किसी से हमदर्दी नहीं है, तुम यहाँ कुछ सुलझा नहीं रही हो, कोई सोल्यूशन नहीं दे रही हो, तुम बस मामले को बढ़ाई जा रही हो। एक तो ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, और तुम सोल्यूशन की बात कर रही हो। सोल्यूशन? हाँ, तुम्हारे पास सोल्यूशन है? कोई सोल्यूशन बोलो। मेरे पास सलूशन, आई एम वेरी सॉरी, गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। जैसे यहाँ पे सबको धोखा मिला है, धोखा मुझे भी मिला है। जितनी तकलीफ रिंकी को हो रही है, उससे ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है, क्योंकि हुई है गलती, हुई है, मैं मानती हूँ इस बात को। मेरे हाथ में कुछ था नहीं, वो लड़का फ्रॉड निकला मैंने तो, लेकिन इसके लिए मैं क्या करूं, माफी भी नहीं मांग सकती, गलती हो गई, गलती को मैं ही सुधारूंगी जब मैंने गलती की है। मम्मी जी, आप
आप लोगों ने हमेशा मुझ पे भरोसा किया। मैं दूसरे घर से इस घर आई थी, लेकिन आपने मेरे माँ बाप से ज्यादा मेरा साथ दिया। तो क्या एक बार आप मुझ पे और भरोसा कर पाओगे? मैं जानती हूँ मुश्किल है, लेकिन मुझे आपके भरोसे की जरूरत है। हमारी भाभी ने तुम्हें बहुत शर्मिंदा कर दिया था आज। अगर तेरी भाभी तुमसे कहे कि उसे एक मौके की और जरूरत है, तुम सोचोगे कि दोबारा मौका क्यों दे? लेकिन हम सबके खातिर एक बार अगर तुम मुझ पर दोबारा विश्वास कर सको तो मैं तुम्हें दोबारा शर्मिंदा नहीं करूंगी। कभी दर्द नहीं देना चाहा है। मैं बहुत प्यार किया तुमसे, दोबारा बुरा मैं कभी नहीं जा सकती हूँ। तुम वापस भरोसा कर पाओगी अपनी भाभी पे? एक डिसीजन लेना चाहती हूँ तुम्हारे लिए। सुनने की बात नहीं, रिश्ता ठीक कह रही। अगर हम उस पर भरोसा नहीं किया, किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। I trust you, बाबी। I trust you. मांगने का हक नहीं रखती हूं। लेकिन फिर भी मैं कुछ मांग सकती हूँ तुमसे। आपके लिए जान हाजिर है बाबू, आप बोलिए क्या चाहिए। क्या तुम हमारी रिंकी से शादी कर सकते हो? ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।